माय जी मेरे मोहम्मद फैसल इजाज़। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 6.4। और 6.4 में क्या है, सबसे पहले मेन चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास है चैप्टर 6 कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारे पास चार मेन टॉपिक हैं। नंबर 1 हाँ जी, कोनिक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। 6 चैप्टर में हमारे पास चार बेसिक टॉपिक हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सर्कल, नंबर 2 पैराबोला, नंबर 3 हाइपरबोला, नंबर 4 इलिप्स। सर्कल हम कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है पैराबोला। अब पैराबोला को डिस्कस करते हैं। कितनी कंडीशन है इसकी? 4। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ये 4 कंडीशन है इसकी। इन 4 कंडीशन में हमने मुख्तलिफ चीजें सर्च करनी है। वो क्या है हमारे पास? स्केच डायग्राम है। यहाँ पे एक ग्राफ टाइप बना लेता हूँ, स्केच बना लेता हूँ, उसी के मुताबिक हमने इनकी करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास ये आ गए 1 2 3 4 चार चीजें। अब हम इसको सीरियल नंबर में लिखते वैल्यू लिखते हैं। x square equal to 4a by x square equal to minus 4a by y square equal to 4ax y square equal to minus 4ax। ये 4 हमारे पास गिवन फॉर्म्स हैं। अब इसमें हमारे पास ये तो हो गई इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं, एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स है, लैटिस रेक्टम है, उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म है? पहले है फोकस, दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, नंबर 3 पे हमारे पास है वर्टिस, नंबर 4 पे हमारे पास है एक्सिस, फिर हमारे पास लैटिस रेक्टम, फिर हमारे पास है ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सबसे पहले हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो जो राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसी के ऊपर वो फोकस करेगा। क्या है ये हमारे पास? 0 और a। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो उसके हमेशा अपोजिट होगा। अगर ये y इक्वल टू a है तो ये y इक्वल टू माइनस a होगा। एक्सिस हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एक्सिस है वो हमेशा 0 0 रहेंगे। एक्सिस की कंडीशन भी बताता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो एक्सिस है हमारे पास वो आ गया x इक्वल टू 0 आ गया। x स्क्वायर है तो x इक्वल टू 0, y स्क्वायर होगा तो y इक्वल टू 0। उसी कंडीशन के मुताबिक लैटिस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स का अपोजिट। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इक्वल टू a है तो ये y इक्वल टू, ये माइनस a है तो ये a होगा। इसका ग्राफ ड्रा करता हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो इसका जो y की अपवर्ड इसका हमारे पास ग्राफ का कस्प होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा। लैटिस रेक्टम क्या होगा, फोकस क्या होगा, इसी की चीजें हम देखते हैं। ये फोकस f है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्सिस है 0 0, ओरिजिन पॉइंट इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास गिवन फॉर्म्स हैं। अब इसी फॉर्म्स के मुताबिक हमने देखना है क्या कंडीशन है। ये हो गया इलांग x एक्सिस पॉजिटिव है।
नेगेटिव पे देखते हैं क्या परफॉर्म करता है, पॉजिटिव के साथ ही नेगेटिव का वैल्यूज अपोजिट होंगे। ये हमारे पास जीरो मैंने से हो जाएगा, y इक्वल टू a, x इज j वर्टेक्स सेम रहेगा, x इज भी सेम रहेगा, y इक्वल टू मैंने से, ये a है तो ये मैंने से a है, और इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, ये वर्टेक्स पॉइंट, तो हमारे पास ये ग्राफ है x के इक्वल टू 4ay का। कंप्लीट करने के बाद भी फिर से रिवाइज कराऊंगा। अब y के इक्वल टू 4ax राइट साइड का वेरिएबल कौन सा है, x है और पॉजिटिव है, जहां पे y था और पॉजिटिव था, y का पॉइंट x है तो पॉजिटिव है a0, y इक्वल टू j था ना, इसकी था तो ये नेगेटिव आएगा। अब ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस a आएगा, ओके वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास सेम आ गए। उसके बाद x से हमारे पास y इक्वल टू जीरो, अब ये क्या है x इक्वल टू माइनस a है तो ये x इक्वल टू a, इसका जो ग्राफ हमारे पास होगा y स्क्वायर है, x है राइट साइड में तो x वाली साइड पे ही इसका कस्प होगा, ये फोकस पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ओरिजिन से फोकस तक का फासला और डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला बिल्कुल सेम होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा इसका और इसका, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a है तो लेट अस x इक्वल टू माइनस a है तो ये a है, अपोजिट ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमारे पास ये हो गया, अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 है, माइनस a इक्वल टू 0, क्यों नेगेटिव, x नेगेटिव है इसीलिए। अब ये हमारे पास x इक्वल टू a फोकस के बिल्कुल अपोजिट और सेम डिस्टेंस पे, फोकस ये x है ये y है तो x इक्वल टू a था तो ये माइनस a है, ये x है तो ये y, x इक्वल टू माइनस a था तो ये a है। अब ये हमारे पास वर्टेक्स सेम रहेंगे और ये हमारे पास एक्सिस भी ये आएगा जो y का है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वैल्यू चेंज होती है तब देखा जाता है। लेट अस राइट द इसी के अपोजिट और ग्राफ इसका इस साइड पे आएगा नेगेटिव वाली साइड पे, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये ओरिजिन, ये हमारे पास चार ग्राफ है और इसका ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी से ही हमने आगे चलना है। कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है, फोकस फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, ये पांच, ये चार पांच चीजें हमने फाइंड करनी होती है। किस वजह से, हमने कंपेयर करना है इन्हीं इक्वेशंस से, जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इन्हीं से हमने कंपेयर करके आगे फाइंड करना है कि कौन सी कंडीशन है हमारे पास इक्वेशन की और कौन सी वैल्यूज उसकी हमने बनानी है। ये आप लोग के एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इलाम टू शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस हमने उसको फॉलो करना है, इसको मैं अरेज कर रहा हूं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y कंपेयर किससे करना है, सबसे पहले चेक करो लेफ्ट साइड के एक्स स्क्वायर और नेगेटिव वैल्यू किससे कंपेयर करना है, आप लिखेंगे कंपेयर्ड एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो हमारे पास -4a -16 है, 4a 16 है, a इक्वल टू 4 है, a की वैल्यू हमारे पास गिवन हो गई है। उसमें वो पूछ रहा है फोकस फाइंड करें, फोकस फाइंड
सॉल्व किया है, फोकस क्या बनेगा इसका, फोकस की कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास x² -4ay है, x² -4ay है, तो फोकस हमारे पास 0 और -a है, तो f हमारे पास 0 और -4, क्योंकि a की वैल्यू में फोकस है। फोकस के बाद आगे हमने फाइंड करना है, इसके अंदर दूसरा हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होंगे हमारे पास, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होगा, उसके बाद आगे क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स के बाद हमने फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स किसके अपोजिट है, फोकस के, तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन है वो हमारे पास y = a होगी, वहां पे y = -a है, तो ये y = a, y = 4 डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारे पास, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स बस, उसके बाद हमने ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करेंगे, कैसे स्केच करेंगे, इसमें पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब इसमें हमने y के इलांग या x के इलांग फाइंड करना है, y की वैल्यू वेरिएट करेंगे तो x की बनती जाएगी, x की वैल्यू वेरिएट करो तो y बना सकते हो, इसी के मुताबिक टेबल ड्रा कर लें। ये हमारे पास x, ये y, तो इसी के मुताबिक x हमारे पास -16y² बन जाएगा, x की वैल्यू पुट करते जाएं, y हमारे पास बनता जाएगा। अब हमारे पास जो लिख दें कि ये हमारे पास y की वैल्यू हम लेते आएंगे, x हमारे पास x की वैल्यू लेते आए, y हमारे पास बनता जाए, कि ये हमारे पास बन जाए y = x² -16। पहली वैल्यू ये 0 1 2 3, सबसे पहले x 0 पुट करते हैं तो सारी वैल्यू y भी हमारे पास 0 आ गई। x 1 पुट करते हैं 1/-16, 2 पुट करते हैं -1/8, 3 पुट करते हैं -3/16। वैल्यू बनाते जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे, इसका ग्राफ हमेशा हमारे पास सिमेट्रिक होता है। ये हमारे पास 0 1 2 3 1 2 3 4, ये x है, इसी तरह y = 4 है, ये हमारे पास चलता जाएगा
इसका फोकस -4 होगा और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास बनेगा 4y = a = 4। बना था फोकस हमारे पास 0 और -4 है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है। तो ये चीजें हमने इस ग्राफ के अंदर डिस्प्ले करा दी हैं। अब हम आते हैं अगले फॉर्म पे, इसमें हमारे पास एक और कंडीशन है, 10वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, उसी को डिस्कस करते हैं, बाकी सेम इसी तरह करने हैं आप लोगों ने। 10वां पार्ट हमारे पास इसका गिवन है, हाँ जी, इसको हमने
सबसे पहले हमने देखना है इसकी टेबल बना के। मैं यहां पे टेबल बनाता हूं। फॉर्म हमारे पास है, ये कंडीशन है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, वाई हमारे पास आता जाए। एक्स प्लस है तो वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स आता जाएगा, ये वाई ये एक्स। एक्स अगर हमारे पास जीरो है, एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वाई हमारे पास, इसको पहले अरेंज कर देता हूं कि ये हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर बाई एट है। जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो फोर बाई एट ये वन बाई टू बनता है। एक्स वन बाई टू आ गया। अब इसकी वैल्यू वन पुट करते हैं तो वन माइनस टू वन का स्क्वायर ये वन बाई एट आ गया। वैल्यू टू पुट करते हैं, टू माइनस टू जीरो आ गया। थ्री वैल्यू पुट करते हैं, थ्री माइनस वन वन बाई एट। माइनस की तरफ आते हैं, माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन बाई एट। माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाई एट, टू आ गया। अब उसके बाद माइनस थ्री वैल्यू पुट करते हैं, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई एट। ग्राफ स्केच करते हैं, y की वैल्यूज हम अरेंज कर देते हैं इसी में और x हमने उसी के मुताबिक ड्रा कर देना है। ये हमारे पास 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 उसके बाद ये आ गया ओरिजिन, ये 1 2 3 4 ये आगे फॉर्म हमारे पास 1 2 3 4। अब हम इसी के मुताबिक देखते हैं पॉइंट क्या बनते हैं, क्या डिस्प्ले करा जा रहे हैं। एक्स जीरो वाई जीरो है तो एक्स हमारे पास वन बाई टू है, जीरो पे ये वन बाई टू आ गया। इसको मैं ब्लैक मार्क कर देता। अब उसके बाद 1 है तो 1 बाई 8 है, बेसिक इक्वेशंस हैं
वो क्या है हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या है जी। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। सबसे पहले जो हमारे पास पी एम है, ये हमारे पास डायरेक्ट टैक्स का हमारे पास फॉर्म डिवाइडेड बाई हमारे पास है y square minus 1 ये plus 1 minus 2 है।
तो कंडीशन हमारे पास दोनों को कट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो फॉर्म हमारे पास ये -6 है। इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे ये नेगेटिव होगा, प्लस वाली वैल्यू कैंसिल कर दो, ये माइनस है, प्लस नहीं है, ये माइनस है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी? ये हमारे पास कंडीशन -6x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 -2y, तो -12x y स्क्वायर प्लस 1 -2y, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, किस चीज की इक्वल है? ये y -1 का स्क्वायर इक्वल टू -12x। तो इसमें हम y -1 को कैपिटल y से नोट कर देते हैं, x को कैपिटल x से, तो ये y स्क्वायर -4ax, तो ये हमारे पास -12x। पैराबोला की फॉर्म बन गई। कौन सी पैराबोला की फॉर्म है? y स्क्वायर -4ax, y स्क्वायर -4ax, ये फॉर्म बन गई ना हमारे पास। यही चीज हमने फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी थी, जो हमने इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद वो फॉर्म ली है। क्या है? सबसे पहले PM, PS, PS हमारे पास x और y की कंडीशन है, y इक्वल टू इसमें हमारे पास 1 है, y इक्वल टू 1 कैसे है, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 1, इससे बनाएं x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये y -1 इक्वल टू 0, ये दो वैल्यूज हमने इसमें पुट की है, ये फॉर्म PS के अंदर, ये दोनों वैल्यूज PS के लिए फोकस पॉइंट हमेशा PS के लिए यूज करेंगे और PM के लिए डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे। हमारे पास जो आ गई है PS और PM फाइंड किया इसी से, सो हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब आते हैं इसके आठवें पार्ट पे, एट्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है, आठवां भी इसी तरह है और हमारे पास आठवें पार्ट में डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी दे दिया है। अब उसी को डिस्कस करते हैं। एट्थ पार्ट हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 1, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इक्वल टू 1 है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमारे पास इक्वल टू 8 है, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो अब हमने इसी के मुताबिक ये फाइंड करना है, अपवर्ड मूव कर रहा है, अब इससे हमारे पास क्या फॉर्म होगी? डायरेक्ट्रिक्स अपवर्ड है, डायरेक्ट्रिक्स अपवर्ड है, तो कस्प नीचे की तरफ होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये ओरिजिन है, ये फोकस है, फोकस हम इन्हीं से ही फाइंड करेंगे। अब हमारे पास आगे की इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा, जो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस ये x माइनस h स्क्वायर, हाँ x एक्सिस होगा, x माइनस h स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्म बनेगी हमारे पास -4ay माइनस k, h और k सेंटर के पॉइंट हैं, कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि ये वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है। किससे पता चला? डायरेक्ट्रिक्स भी बता रहा है, लैटिस रेक्टम भी बता रहा है, डायरेक्ट्रिक्स और लैटिस रेक्टम दो अलग हैं, सेम होते तो एक दूसरे के अपोजिट डिस्टेंस पे है ना। अब देखिए ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो लैटिस रेक्टम इसका नेगेटिव फेस की तरफ आ जाता है, अगर x इक्वल टू a है तो x इक्वल टू माइनस a लैटिस रेक्टम है, y इक्वल टू a है तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस a लैटिस रेक्टम, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स 1 है, लैटिस रेक्टम 8 है, तो कहीं और ही बनता है ना हमारे पास, तो हम उसी के मुताबिक देखेंगे, ये h और k डिसाइड करेंगे क्या फॉर्म बनती है हमारे पास। ठीक है, अब
ये हमारे पास लेटर सेक्टम है 4a = 8, a = 2 गिवन। ये फॉर्म हमारे पास गिवन है, ये किससे है? लेटस रेक्टम से है। लेटस रेक्टम से 8 वैल्यू है, a की वैल्यू हमने बना ली है, a हमारे पास 2 है, तो a हमारे पास वर्टेक्स की फॉर्म, v हमारे पास जो वर्टेक्स है वो h और k है। अब इसी से हमारे पास जो फॉर्म बनती है फ्रॉम m y माइनस 1 = 0, y = 1 था डायरेक्ट्रिक्स से, तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन बनाई y - 1 = 0 vm। अब जहां पे vm यूज करेंगे, pm यूज नहीं करेंगे, y - 1 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास vm, पहले 0 लिख दें अच्छा रहेगा, फिर 1 लिख दें क्योंकि x और y है, x 0 है इसमें, vm हमारे पास y - 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है और 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है? a के इक्वल है, vm हमारे पास a है, y - 1 एब्सोल्यूट वैल्यू a है, तो ये हमारे पास +-a बन जाता है, तो y - 1 = 2 है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, y - 1 = 2, ये पहला पॉइंट, y - 1 - 2, ये दूसरा पॉइंट, एक बार y - 1 पॉजिटिव है, एक बार y - 1 नेगेटिव है। अब y की जगह पे एक वैल्यू वर्टेक्स k यूज किया गया है, y के लिए ये k यूज किया गया, हम इसकी जगह पे सिर्फ k ही यूज करेंगे। मैं इसको और मार्क से कर लेता हूं क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, y की जगह हमने k यूज करना है, ये हमारे पास उसके वर्टेक्स k हमारे पास है, वर्टेक्स फाइंड कर रहे हैं। पहला पॉइंट y, ये हमारे पास k - 1 = 2 है, तो k = 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ये हो गया y1। अब y2 लेते हैं, -k + 1 = 2, k को उधर ले जाए, 2 को इधर ले आए, तो ऐसे ही रहने दे बेशक, -k = 2 - 1 - k = 1 k = -1, दो पॉइंट बन गए k के, एक हमारे पास एक फॉर्म में हमारे पास k = -1 आ गया, एक हमारे पास k = 3 बन गया, प्लस माइनस की फॉर्म थी, नेगेटिव लिया, अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड ये डायरेक्ट्रिक्स है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो सिर्फ नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव नहीं लेंगे, दोनों इसलिए किया ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू समझ आ जाए। इसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड है, dTx वेरीज अपवर्ड, सो k = -1, k की वैल्यू -1 लेंगे, ये पॉजिटिव वाली को नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं यूज करेंगे इसको, उसको मैं यहां तक सर्कल कर देता हूं, ये यूज हमने नहीं करना है, ये यूज करना है, डाउनवर्ड डायरेक्ट्रिक्स होता तो ये यूज करते, ये चीज यूज ना करते। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई, अब इसी से हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई है, इसमें पुट करना है, ये जो जनरल फॉर्म हमारे पास x है इसमें पुट करके हमने h रहने देना है जिस तरह है, ये सिर्फ k की वैल्यू फाइंड कर लगा देनी है। मैं इसकी वैल्यू के लिए ये स्पेस साइड से कर रहा हूं, ये हमारे पास फॉर्म बनेगी x - h² = -4ay - k, ये --+1। अब a की वैल्यू 2 है, तो x - h² अब ये हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू बनानी थी, a = 2 है, तो ये हमारे पास -4 × 2y + 1 -8y + 1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो जनरल फॉर्म है। अब इसके लिए मैं
इजाजत चाहूंगा इस एक्सरसाइज के लिए, बाकी इसका सिर्फ दो क्वेश्चन है, 4 और 6, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। सेम इसी तरह है, 4 तो बिल्कुल सेम इसी तरह है। इसमें क्या है, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास है, उसी से हमने फाइंड करना है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट की तरह है, और 6 पे आ जाएंगे, इसको भी हमने इसी तरह एक्सेस और हमारे पास फोकस हमने फॉर्म है, अब इसी तरह से डिस्टेंस उसने गिवन किया हुआ है, ये चीजें फाइंड करके इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अगली एक्सरसाइज के लिए आते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।